ये सारी कार्रवाई उनकी यह बताती है कि वो बौखलाहट में, वो घबराए हुए 24 को लेके उनकी घबराहट साफ दिख रही है। हमारी चिंता वो छोड़ दें, अपनी चिंता 2024 की करें। 2024 में वो जुमलेबाज जो है वो विदा होने वाले। मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। मणिपुर में जदयू को भाजपा ने बड़ा झटका दिया है। 5 विधायक अब जदयू का नाता तोड़कर बीजेपी के साथ हो गए हैं, जिसको लेकर अब बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। विधायकों के टूटने के बाद देखिए ललन सिंह क्या कुछ बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। हम जो भी सीट वहां जीते, अरुणाचल में हम 7 जीते, मणिपुर में 6 जीते, और दोनों राज्यों में हमने सीधे भारतीय जनता पार्टी को हरा कर चुनाव जीता। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ 2020 में, वो गठबंधन धर्म का जो नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो गठबंधन धर्म का धर्म निभा रहे थे, और इसलिए हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने बाद में तोड़ा और एक को अभी मिला है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ, और प्रधानमंत्री जी आजकल भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों की परिभाषा बदल रहे हैं। जहां धन बल का प्रयोग जो कर रहे हैं वो सदाचार, और विपक्षी पार्टियां अगर 2024 के चुनाव को लेके अगर एक मंच पर आ रही है तो वो भ्रष्टाचार है। वाह, तो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार और सदाचार का आजकल परिभाषा बदल रहे हैं। जितने दागे लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं वो साफ सुथरे धुले हो जाएंगे। सर, एक सवाल ये भी है सर कि चूंकि नीतीश कुमार की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने वाली है, तो आपको लगता है कि जो आपके पार्टी के विधायकों के साथ हो रहा है झटका है, वो जितना चाहे प्रयास कर ले, लेकिन जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय पार्टी बनेगी 2023। भारतीय जनता पार्टी तो अभी तो आपको बता तो दिए, पार्टी तो हमारी बची हुई है। प्रधानमंत्री बिहार में 2015 के चुनाव में 42 आम सभा किए थे और सीट आई थी 53। वो अपना देखे कि 2024 में कहां जाएंगे। सर, एक बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि जब आपके पार्टी के विधायक नहीं संभाल पा रही है जेडीयू, तो पूरा गठबंधन कैसे करेगी, कैसे उनके बातों पर। अरे, आप तो धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या किया आपने, दिल्ली में अभी आप क्या कर रहे हैं, झारखंड में क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या किया था आपने, ये सब देख रहा है, देश देख रहा है। हमारी चिंता वो छोड़ दें, अपनी चिंता 2024 की करें। 2024 में वो जुमलेबाज जो है वो विदा होने वाले। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है सर कि 2024 में नीतीश कुमार की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, आपको लगता है कि वो गठबंधन बनाने में आप सफल होंगे, एक जो फ्रंट की बात जो नीतीश जी ने बोला है मेन फ्रंट, तो आपको लगता है कि एक और फ्रंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। कोई फ्रंट बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों का यह प्रयास है कि हम सभी दलों एक मंच पर लाएं और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ें। सभी दल में कांग्रेस भी रहेगी। सभी दल का मतलब आपको अलग अलग, आपके बारे में आपको अलग अलग बताएं क्या, हर जगह ये महाराष्ट्र में जो उन्होंने किया उसका भी असर देश में पड़ रहा है, मध्य प्रदेश में जो उन्होंने किया उसका भी असर देश में पड़ा है, दिल्ली में जो उन्होंने करने का प्रयास किया उसका भी असर पड़ा है, झारखंड में जो कर रहे हैं उसका भी असर पड़ेगा। आप ये सारी कार्रवाई उनकी यह बताती है कि वो बौखलाहट में, वो घबराए हुए। 2024 को लेके उनकी घबराहट साफ दिख रही है। सर, आपको आशंका है कि बिहार में कुछ ऐसा बीजेपी कर सकती है। बिहार में बहुत, यहाँ के नस नस में राजनीति है, यहाँ कुछ नहीं होगा। बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे ना, हमारी पार्टी के एक एजेंट को लगा के बहुत प्रयास किया, उन्होंने सफल नहीं हुए। तो आपने देखा कि ललन सिंह ने कहा कि सिर्फ विधायकों को तोड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी पार्टी
जो है वो लगातार जनता के लिए काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इनकी बौखलाहट है, यह बता रही है कि यह किस तरह से बीजेपी बौखलाई हुई है और यह सब हरकत कर रही है और इस हरकत को जनता देख रही है, तो 2024 में जनता इनको सबक सिखा देगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। ललन सिंह के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।